मैं आदर्श मानता हूँ, इस उम्र में इन्होंने जो बिगुल फूंका कि हम सभी ब्राह्मण संगठनों को एक करेंगे और अपनों के साथ अपनों का भेदभाव दूर करेंगे। ब्राह्मण संगठनों में एक दूसरे की कटुता, हम बड़े इसके चक्कर में ये हो रहा है, नहीं तो ब्राह्मण समाज का कहीं कोई गलत हो ही नहीं सकता है। जो 20 साल पहले का सिचुएशन था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उंगली पे हम गिना सकते हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ी इस समाज को कि हर जिले में 20-20 संगठन ब्राह्मण संगठन बने हैं? तो ये उन ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों से पूछा जाना चाहिए। सर, आप श्रेष्ठ हैं, आप ही बता दीजिए लोगों को। ब्राह्मण संगठनों को यहाँ पे उपस्थित होना था, 200-250 जितने ये संगठन के अध्यक्षों का है, उनके प्रतिनिधि चेहरे पे भी वो दर्द आपके अंदर से भी झलक रहा है, लेकिन फिर वही क्वेश्चन घूम के चला आता है, क्या कारण है और इसका खात्मा कहाँ से होगा? उस और इतना मुंह के खा चुके हैं, धोखा खा चुके हैं कि अब उनकी मजबूरी बनेगी, बहुत करेंगी, इस लोकसभा तक जाएंगे, इसके बाद नहीं चलेगा। अगले लोकसभा में आप लोग पार्टी बना लेंगे, पार्टी सपा हो, बसपा हो, ये निषाद पार्टी हो, राजभर का भी वो है, यानी एक एक जात की पार्टी। आरोप ऐसे लगते हैं कि आप लोगों को ही चलाने वाले केंद्र सरकार के लोग हैं, जो वहाँ की कोई भी मुख्यमंत्री या वहाँ की जो सरकार होती है उसका कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग बेमर्जी का काम कर लेते हैं, क्या ऐसा सब हो गए जी? और एक बैनर के पीछे संयुक्त ब्राह्मण संयुक्त समिति बनी, इसलिए बनाना पड़ा कि सारे लोगों को, देश के जितने ब्राह्मण संगठन हैं, सभी को कम से कम एक बैनर के नीचे साल में एक बार लेकर के चले, साल में एक बार लेके आए। लेकिन ये जरूरत क्या पड़ी सर? हमने ये पूछा आपसे कि जरूरत क्या पड़ी कि हर जिले में 20 ब्राह्मण 50 ब्राह्मण संगठन बने हैं? तो ये उन ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों से पूछा जाना चाहिए। सर, आप श्रेष्ठ हैं, आप ही बता दीजिए लोगों को। मैं कह रहा हूँ लोगों को पता चले कि कम से कम उनकी जो गलतियां हैं वो शायद आपके माध्यम से सुने, उसको सुधार सके। आज घर की समस्याओं से लेकर के अपने समाज की समस्याओं को केवल मीटिंग बैठक तक लोग रह गए हैं। कोई अगर ब्राह्मण समस्या के लिए कोई योगदान दे रहे हैं कि हमारा ये योगदान है, हमने समाज के लिए ये लड़ाई लड़ लिया है, या हमने अपने भाई की, इस भाई की मदद किया है, ये कार्य अगर करे तो प्रसन्नता होगी। केवल संगठन बना करके बैठक तक दायरा बना लिए है। आज यही पंडित कृपा निधान तिवारी जी के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, आज सभी ब्राह्मण संगठनों को यहाँ पे उपस्थित होना था, 200-250 जितने ये संगठन के अध्यक्षों का है, उनके प्रतिनिधियों का है, ये आम तो वो है नहीं कि इसमें भीड़ की आवश्यकता है, ये बैठक है, इसमें सभी ब्राह्मण संगठनों को प्रतिनिधित्व देना था कि आप हमारे फला सदस्य बनेंगे, संयुक्त ब्राह्मण समिति के ये सदस्य बनेंगे, इसके लिए इन्होंने बैठक रखा। आज 6 महीने से ये लगातार इस पर कार्य चल रहा है, आए हैं, प्रसन्नता ये हुआ है आकर के यहाँ पे। भाई साहब, हम भी लखनऊ थे, हम आए, हम स्वर्ण संघ से हैं, हमें ब्राह्मण संयुक्त संगठन से केवल बड़े भाई साहब से लगा हुआ है कि कम से कम सारे ब्राह्मण संगठन तो इकट्ठा हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो भी हमारा बिंग ही है, चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण संगठन हो, सारा बिंग हमारे भारतीय स्वर्ण संघ का बिंग है। तो हमारे वो दर्द आपके चेहरे पे भी, वो दर्द आपके अंदर से भी झलक रहा है, लेकिन फिर वही क्वेश्चन घूम के चला आता है, क्या कारण है और इसका खात्मा कहाँ से होगा? उस व्यू पॉइंट पे आइए। अब होना तय है जी, उसका कारण है कि अब सब झेल चुके और इतना मुंह के खा चुके हैं, धोखा खा चुके हैं कि अब उनकी मजबूरी बनेगी, बहुत करेंगी, इस लोकसभा तक जाएंगे, इसके बाद नहीं चलेगा। अगले लोकसभा में आप लोग पार्टी बना लेंगे? पार्टी तो बनना ही बनना है, पार्टी तो सभी लोग, यही तो योजना था कि सभी ब्राह्मण संगठन इकट्ठा हो जाए, उसके बाद स्वर्ण संगठन पूरा हो जाए हमारा। हम तो ये चाहते हैं सारे ब्राह्मण संगठन, सारे क्षत्रिय संगठन, सारे कायस्थ संगठनों को एक करके जब सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे तो हम अपनी मिशन को पूरा कर लेंगे। हमें किसी राजनीतिक पार्टी बनाना, राजनीतिक पार्टी हमें नहीं बनाना, मजबूरी है, मजबूरी है। आज सपा हो, बसपा हो, ये निषाद पार्टी हो, राजभर का भी वो है, यानी एक एक जात की पार्टी बन गई। हमारा तो स्वर्ण संघ है, हम अनारक्षित वर्ग, जिसका इतना बड़ा तबका है वो भी उपेक्षित चल रहा है। आज बताइए हमारे देश में क्या विकास हो गया है? आज अगर आप देखेंगे, चाहे मोदी जी का योजना चल रहा हो, चाहे कांग्रेस की योजना चल रही हो, चाहे जिसका रहा हो, राहुल सोनिया, क्या हमारा विकास हुआ है देश का? आरक्षण 10 साल के,
आज आरक्षण में इस अन्य जातियों को बढ़ाया जा रहा है। तो बीजेपी बार बार आरक्षण को तो बीजेपी ने बढ़ाया ना बार बार। हम इसके विरोधी हैं भाई, हम आरक्षण के ही विरोधी हैं। हम आरक्षण के विरोधी है, आरक्षण दे क्यों रहे हैं? हमें भी 10% के अभी बात किसी भाई ने कर रहे थे, हमारे दिल्ली वाले भाई साहब कि 10% जो सवर्णों के लिए मिला है उस, अरे उसका हमें जरूरत ही नहीं थी, वो तो SC ST संशोधन विधेयक की वजह से 3 प्रदेश में सरकार गई, वो लालीपाप दिखा दिया गया, किस ब्राह्मण को, किस क्षत्रिय को, किसको हो रहा है, उसमें तो सभी घुस गए हैं भाई साहब। ये मत देखिए, उसे समाप्त कर दीजिए, और अगर उसे 10% आर्थिक आधार किया गया है, वो जातीय नहीं है, वो आर्थिक है, आप देखेंगे मापदंड है उसमें कि आपका 1 लाख के नीचे का अगर आया है तब आप उसके अधिकारी हैं, नहीं तो नहीं है, और उसका भी क्राइटेरिया 50,000 के आसपास शायद बन गया है, 5 लाख है उसमें, तो आपका पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यही आप पत्रकार बंधुओं से यही है कि पक्का मकान मोटरसाइकिल अगर आपके पास है तो आप उस योग्य नहीं है, नहीं है, आपके घर में टेलीविजन का टावर है तो आप उसके अच्छा, तो ये एक चीज मान लें आप, ये क्योंकि मिर्जापुर से है, बार बार मिर्जापुर का हिट कर रहा है दिमाग में, ये चीज बताइए कि वाकई में ये है कि आप जैसा अभी यहाँ बता रहे हैं कि वो लॉलीपॉप दिया गया 3 राज्यों में सरकार चली गई इसलिए, लेकिन क्या ये चीज सत्य है कि आप अपने समाज को जाके इतना तक नहीं बता पा रहे हैं कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है? हाँ, नहीं बता पा रहे हैं? बता पा रहे हैं। कहाँ बता पा रहे हैं? अरे भैया, या तो आपकी आप सुनी नहीं जा रही आपके समाज। हाँ, बस यही है कि जितना वही अब आ गए आप मुख्य मुद्दे पर, जब 200 संगठन तैयार हो गए हैं, हमें खुशी होती कि जब यही सभी संगठन जा करके अपने 10-10, 20-20 भाइयों को भी अगर समझा लेते कि भैया बहुत गलत हो रहा है यार, हम लोगों को एक रहना है। अभी हम कल रास्ते में निकल रहे थे, एक पंचायत करनी थी हमें, छुट्टी छुटा का था। अच्छा, लड़की लड़के की छुट्टी छुटा का। 3 मामा कह रहे हैं कि नहीं यार उस घर में चली जाए बेटी, 1 मामा कह रहा है कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। आपने ही पोस्ट डाला था क्या? हमने डांट करके कहा भैया आपने क्या दिया हो कन्यादान के समय, तो चुप। हम कहा यार बिगाड़ने का काम करो, घर बसना चाहिए। लड़की कह रही है कि नहीं अंकल जी हम जाएंगे अब आप लोगों का ऐसे घर बसाने, हमारे तो नात रिश्तेदार सगे संबंधी जो है ऐसे मामले। देखिए अभी अभी आपने एक जिक्र किया है कि हम गए थे किसी लड़की का, नहीं नहीं ठीक है, किसी लड़की का आपको घर बिगड़ रहा था आपने बसा दिया, तो मतलब आप वहाँ मीडिएटर की भूमिका में गए, और हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं पंडित जी मीडिएटर की भूमिका सवर्णों की ही रही है जी, पूरे जी। समाज में चाहे सरकार बनाने को लेके हो या समाज चलाने को लेके हो, आज भी वो साफ दिखाई देता है। कोई सरकार है, अब आपको बता ही दूं जो आप कहना चाहते हैं, कोई सरकार हो, जैसे हमारे भाई साहब बोले हैं तो ये गलत बोल गए हैं, हम उसका खंडन करते हैं, इस चीज का हमारी भागीदारी रखी गई, आपको मुख्यमंत्री आपके समाज के लोगों को बनाया गया केवल इसीलिए कि ब्राह्मण समाज के लोग ये न कहने पावे कि हमारा कोई वो नहीं है, उप मुख्यमंत्री समाज की वजह से, लेकिन वो समाज के नाम पर बोल नहीं रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो पता चला अगली बार हमें सीट ही न मिल पाएगी। अच्छा, अन्य वर्ग के लोग नहीं होकर मंत्रालय अगर मिला है तो जाति देख करके मिला है, टिकट भी मिला है तो जाति आधार पर मिल रहा है मंत्रालय, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री का पद भी मिला है तो इसी आधार पर मिला है, अगले बार भी मिला, इस बार भी, अब न बोले वो अलग बात है जी। हमारे समाज के अगुआ बने हैं लेकिन न ही बोल रहे हैं, अपने समाज के हितों की बात नहीं। ओपी राजभर को कितने दिनों से जानते हैं लोग? अरे जब से वो बने हैं, कितने दिनों से, जब से वो बने हैं तब से जान रहा हूँ, और कम से कम वो अपने समाज के लिए बोल रहे हैं ना, अपने बोल रहे हैं, उनका समाज उनके साथ खड़ा है, इसलिए आपकी जो बीजेपी ये कहती है कि विश्व में सबसे बड़ी हम पार्टी है, हाँ। उसको तक झुका देती है। यस, और हमारे और आप लोगों के बीच आप ये कहते हैं कि मैं पूरे भारत को चलाने वाला मैं हूँ, मैं ही पार्टी बनाता हूँ, मैं ही पार्टी को बिगाड़ता हूँ, लेकिन आपकी नहीं सुनी जाती। अरे भाई साहब, यही है हमारे पंडित कृपा निधान तिवारी जी, इन्हीं लोगों के नेतृत्व में जब यही विधानसभा का होने वाला था, और उस समय पर 147 या कितने संगठन के लोगों का हस्ताक्षर हुआ था, 147 ब्राह्मण संगठन, हम तो भाई सवर्ण संघ से हम नहीं है उसमें, लेकिन मालूम था जितने संगठन, आप सवर्ण संघ से, कौन है सवर्ण संघ का अध्यक्ष हमारे? अरे हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, डंडी स्वामी राम देवानंद सरस्वती जी महाराज हैं वृंदावन में उमा शक्ति पीठाधीश्वर, वो अध्यक्ष संस्थापक हैं, वही सब कुछ है, यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं होता है, सब सदस्य होते हैं। अच्छा, यहाँ कोई अध्यक्ष और वो नहीं है, सब सदस्य, सब सदस्य हम लोग सदस्य।
एक सिपाही के। अच्छा, कोई एक जगह के और आए थे अध्यक्ष जी, कौन है? अच्छा, आप जगन्नाथपुरी? जगन्नाथपुरी से आप आए हैं? दिल्ली से भी आए तो आ जाइए इधर ही। दिल्ली वाले आ जाइए। हम तो एक दो बात ही कहेंगे। नाम नाम बता दीजिए। मधुसूदन रथ। मधुसूदन रथ। रात्र रथ रथ जी आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है जी, ब्राह्मण सब को लेके चलता है जी। राजतंत्र में देखिए, जब राजतंत्र देश में था कोई हानि नहीं था, सबको लेके, सब जाति को लेके कुछ उपदेश देता था। वो मेधावी होता है, ज्ञानी होता है, पंडित होता है जन्म से, उनका कोई ज्ञान लेता नहीं, जन्म से राजे राजे को उपदेश देता था, सबका परामर्श लेते थे राजा। आज नहीं ले, ना ना आज तो बात है, राज बच जाइए। तो आज जो मानववाद का अवक्षय हुआ जहाँ पे विश्रृंखला समाज में हो रहा है, तो इसकी वजह हो रहा है भी पूज्य पूजा का अभाव होता है। ब्राह्मण था, वो सबको उपदेश देता था, सबको शांति में चलाता था, वो आज नहीं कर पा रहा ना। ये आरक्षण की वजह से ब्राह्मण नीचे चला गया, जो लिखना नहीं आता ऊपर बैठ के क्या शासन करेगा। अब बताइए, जो पढ़ना है, जो फर्स्ट है, वो पढ़े लिखे ही तो ऊपर पहुंचा रहे ना सर भाई। जो पढ़े लिखे हैं तो घर में बैठेगा, तो थर्ड क्लास पास, जो थर्ड क्लास में पास किए हैं वो बैठ के कैसा शासन करेगा भाई? आप बिना पढ़े लिखे हुए को क्यों बैठा रहे हैं? नहीं, हम आप अभी बता रहे हैं कि हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं, आप फिर कह रहे हैं कि अनपढ़ गवार को बैठा दे रहे हो आप। मेधा का हत्या होगा, जब लोग कर्म का विमुख हो जाएंगे तब देश का अधोगति होगा। अभी तो पूछे हुए, आप समझाइए लोगों को कि आपके साथ गलत हो रहा है। हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, देश का अपेक्षा होता है, धर्म नीचे चल जा रहा है, सब धर्म का सम्मान हम मानते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको लेके चलेंगे। चलिए लेके और पहुंचाइए ऊपर तक, जहाँ बता रहे हैं कि अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पढ़े लिखों को भेजिए। क्षेत्र में पांचवी स्तर पर है अभिभाव समाज का जो अवक्षय है, तो ब्राह्मण की ब्राह्मण को नीचे लाने से यह होता ही है। अच्छा, तो शासन अच्छा कैसे चलेगा? ज्ञानी लोग बैठेगा, बैठाइए, इसका दिमाग है वो शासन करेगा। बिल्कुल, अपनी बार वही आप वही काम कीजिए। अभी लोकसभा चल भी रहा, अभी एक भी वोटिंग नहीं हुई। आरक्षण को लेके बैठाएंगे, बेटा कुछ पढ़ा नहीं, उसको आरक्षण की वजह से लेके ऊपर बैठा, खत्म करवाई जाएगी। क्या नाम है आपका? ज्ञान के हत्या, मेधा के हत्या। राधेश्याम शर्मा जी, मौसम चेंज। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। अभी हमने सुना कि आप दिल्ली पुलिस में भी कोई अधिकारी थे, किस पद पे थे आप? इंस्पेक्टर थे। कितने सालों की थी आपकी नौकरी वहाँ पे और कैसी रही? 40 साल की नौकरी हमने की। कैसे रही? दिल्ली में ही? दिल्ली में बहुत सारे आरोप ऐसे लगते हैं कि आप लोगों को ही चलाने वाले केंद्र सरकार के लोग हैं, जो वहाँ की कोई भी मुख्यमंत्री या वहाँ की जो सरकार होती है उसका कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग बेमर्जी का काम कर लेते हैं, क्या ऐसा सत्य है? जो भी कुछ काम होता है कानून के मुताबिक ही होता है जी। और कोई भी, हमने भी 40 साल की नौकरी की जी, और पूरे कानून के मुताबिक ही हमने नौकरी की। अच्छा, चलिए एक चीज़ और बताइए पंडित जी, क्योंकि आप पुलिस विभाग में रह चुके हैं, दिल्ली में जिस तरीके से अभी